वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने सैमसंग के M51 फ़ोन का रिव्यू करूंगी। ये फ़ोन अभी मुझे हाफ एन आवर पहले डिलीवर हुआ है। मैंने इसको अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल फॉर प्राइम मेंबर्स से परचेज़ किया है। अभी मैं आपको इसका एक बेसिक अनबॉक्सिंग और एक बेसिक रिव्यू एक ऑर्डिनरी यूज़र के लिए बताऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स पे इसका प्राइस थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम है। इसमें 28,999 प्राइस दिया हुआ है, पर मुझे ये 20,499 का पड़ा है आफ्टर 10% HDFC कार्ड डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आपका कोई पुराना फ़ोन है तो आप उसको भी एक्सचेंज में आपको काफ़ी 5 to 6,000 तक का, मैक्सिमम 16,000 तक का भी बेनिफिट मिल सकता है। मैं पहले आपको इसका बॉक्स दिखा देती हूँ। इस पे ये मैंने इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में ख़रीदा है। इसकी 6 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज है। ये इसका बैक है एंड दीज आर द स्पेसिफिकेशंस। अब मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ। बहुत छोटा सा बॉक्स है। इसमें मैंने साथ में इसकी अलग से अमेज़ॉन पे आपको एसेसरीज भी मिल जाएंगी। दे देखिए, दिस इज़ द फ़ोन। तो ये एक बेसिक फ़ोन आप देख सकते हैं। इसमें मुझे USB केबल मिला है, अडाप्टर मिला है, दैट्स इट। ईयरफोन्स आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे और एक इसका मैनुअल है साथ में। तो दिस इज़ द फ़ोन, दिस इज़ इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। अब मैं आपको इसका ये रिमूव करके दिखाती हूँ। दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स, इसका ये बहुत स्लीक नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 7000 mAh की बैटरी पावर है। तो इट्स नॉट वेरी स्लीक, बट ऑनेस्टली मुझे ये थोड़ा सा हैवी है, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है। इट्स मीडियम वेट। आई वोंट कॉल इट लाइट वेट, आई वोंट कॉल इट हैवी वेट, आई वुड कॉल इट मीडियम वेट। तो इसका साइज़ भी अच्छा है, इट्स वेरी गुड। अगर आप कोई टीवी सीरीज़ मूवीज़ देखते हैं तो ठीक साइज़ है। इट्स हैविंग अ डिसेंट साइज़। कलर इज़ ऑल्सो गुड। इसका ये कैमरा आप देख सकते हैं, 64 MP का कैमरा है बैक का, और प्लस 3 more cameras आर देयर। तो इसका वाइड डिस्प्ले है। इसका आप ये थिकनेस देख सकते हैं कितनी है। इट इज़ लिटल थिक कम्पेयर टू द कंटेम्प्रेरी फ़ोन्स, बट ठीक है जब आपको बैटरी पावर मिल रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं मोटोरोला का G5S Plus यूज़ कर रही थी, जिसमें 1 hour में आपको फुल बैटरी चार्ज मिल जाता था। तो आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दैट कि मुझे बैटरी वॉज़ वन ऑफ द कंसिडरेशंस। मैं आई हैव गॉट यूज टू गेटिंग अ फुली चार्ज फ़ोन इन विद इन एन आवर। तो इसीलिए मैंने इसको भी प्रेफर किया। अब मैं इसको स्विच ऑन करके दिखाती हूँ आपको। यस, हियर वी गो। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। मैंने बहुत मैं हैवी बजट फ़ोन नहीं प्रेफर करती। तो वन ऑफ द अदर फोन्स दैट आई सेलेक्टेड वॉज M31S। बट अगर आप 20,000-25,000 की रेंज में अगर कोई फ़ोन लेना चाहते हैं जो कि मीडियम बजट फ़ोन होता है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दिस वन। वन थिंग इज़ कि सैमसंग के फ़ोन्स की लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है, लाइफ ज़्यादा होती है। मेरी तरह अगर आप प्रेफर करते हैं जल्दी फ़ोन एक्सचेंज करना या चेंज करना प्रेफर नहीं करते, इफ़ यू वांट टू कीप वन फ़ोन आपके आगे के यूज़ के लिए, तो ये अच्छा है। 3-4 years तक आपको लास्ट करेगा। सेकेंडली, ये देखिए थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग के कुछ कमीशन्स मांग रहा है ये। इसमें AMOLED डिस्प्ले है और बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। इसका डिस्प्ले इज़ वेरी गुड कम्पेयर टू माई प्रीवियस फ़ोन, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका यूज़र इंटरफेस भी अच्छा है, और क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन
प्रोसेसर है, 730 प्रोसेसर है, तो आई एम श्योर इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप मीडियम रेंज में 20-25,000 तक कोई फ़ोन प्रेफर कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीक तक दूंगी। तो क्योंकि इससे इसके जो नेक्स्ट बैकवर्ड अगर हम जाएँ तो M31S है, उसका भी कैमरा क्वालिटी वगैरह जो मैंने पढ़ा सिमिलर है इसके, बट उसमें जो प्रोसेसर है वो एक ओल्डर वर्जन है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन मिलेगा लेटेस्ट वर्जन, तो अगर आप नेक्स्ट 2-3 इयर्स तक भी इसे यूज़ करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लेटेस्ट वर्जन प्रोसेसर ही लीजिए। और बाकी इसको मैं एक वीक यूज़ करने के बाद नेक्स्ट वीक तक आपको इसका एक डिटेल रिव्यू दूंगी, इसके जो भी फीचर्स मुझे दिखेंगे। बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि मैं एक बेसिक यूज़र की तरह आपको दूंगी, मैं बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं हूँ। बेसिक आप जो गूगल सर्च, यूट्यूब, व्हाट्सअप, फ़ोन, कभी कभार थोड़ा सा आप टीवी सीरीज़ देख ली, दिस इज़ व्हाट आई वुड डू। तो उसके लिए मुझे ये मिड रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन लगा। और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो भी 25th तक है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपके पास HDFC कार्ड है, या फिर अगर आपके किसी नोन के पास HDFC कार्ड है, EMI ऑप्शंस और एक्सचेंज में भी, तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें ऑफ मिल जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ़ दी मोस्ट टॉक्ड अबाउट फ़ोन, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीक सेल ख़त्म होने से पहले दूंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, चेकआउट फॉर आर मोर वीडियोस। और जैसे कुटलू बीबी चैनल में हम अपनी डॉटर की वीडियोस अपलोड करते हैं, तो वो अब मैं इस नए फ़ोन से करूँगी, देन यू कैन गेट टू नो अबाउट इट्स कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी। सो डू चेकआउट आर फ्यूचर वीडियोज़। इसका डिटेल रिव्यू नेक्स्ट वीक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, keep liking and commenting on our videos, and do subscribe to our channel. Thank you so much guys.